फ्लोर में डाल। ये मॉडल 20BC4 मॉडल है, इसमें आप जो है माइक्रोवेव में आप खाना गर्म भी कर सकते हैं, खाना पका भी सकते हैं, और इसमें ग्रिल भी है, कन्वेक्शन भी है, और इसमें कंबाइंड भी है। हम पहले माइक्रोवेव के विषय में बताते हैं। माइक्रोवेव पे आप खाना गर्म करने के लिए, जैसे एक कप चाय आपको गर्म करनी है, माइक्रोवेव कभी खाली नहीं चलता है, इसलिए हमने बाउल में पानी रख दिया है, और रखने के बाद यहाँ स्टार्ट एक्सप्रेस कुकिंग का बटन नीचे दिया हुआ है, इसको हम दबा रहे हैं। ये 30 सेकंड के लिए आपका एक कप चाय गर्म हो जाएगा। आपने सब्जी चावल दाल ज़्यादा मात्रा में कुछ रखा गर्म करना है तो आप इसी को टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तुरंत बढ़ेगा। आपको स्टॉप करके, जैसे हमने सब्जी रख दी इसके अंदर है, अब ये डायरेक्ट कई बार दबाएंगे तो ये टाइम बढ़ सकता है 10 मिनट तक, अगर चल जाने के बाद ये दोबारा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो भी सामान रखेंगे वो आपका सामान ये गर्म हो जाएगा। माइक्रोवेव पे आप रोटी दाल छोड़ के सब कुछ पका भी सकते हैं, पकाने का काम माइक्रोवेव पे ही फंक्शन पे होगा। अब जैसे हमने एक बाउल में अगर चावल लिए हैं 100 से 150 ग्राम, रखने के बाद उसमें पानी डालने के बाद आधा बाउल खाली रहना चाहिए, पूरा भर के नहीं रखना है। रखने के बाद हम इसके अंदर, माना हमने इसमें चावल रख दिए, अगर प्लास्टिक का ढक्कन है हल्का सा खोल के रख दिया, हल्का सा खोल के रखा, तो चावल हमारे 16 मिनट पकेंगे। अब दबाना क्या है, यहाँ पे हमको माइक्रो पावर लेवल बटन, ये हम दबा देंगे। दबाने के बाद यहाँ 10 करके आप 9 बार टाइम दे सकते हैं, ये 10 मिनट करके, ये 1-1 मिनट करके, ये सेकंड है। अब हम यहाँ से 10 दबाएंगे और यहाँ से 1-1 करके हम 6 कर देंगे, इससे 16 मिनट हो जाएगा। अब स्टार्ट कर देंगे, ये स्टार्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चावल है, सब्जी है, सब कुछ पकेगा, लेकिन रोटी दाल छोड़ के सब कुछ पका सकते हैं। तो पकाने का माइक्रो पावर लेवल, टाइम और स्टार्ट, ये तरीका है पकाने के लिए। तो इस तरह से आप पका सकते हैं। अब इसमें दूसरा फंक्शन हमारा ग्रिल का होता है। ग्रिल पे वो काम करना है, जैसे कि आप बाजार से समोसे लाए हैं, समोसे अगर माइक्रोवेव फंक्शन पे रख देते हैं तो गर्म तो 30 सेकंड में होंगे, लेकिन वो जो है मुलायम हो जाएंगे। अब जो चीज़ आपको क्रिस्पी खानी है वो ग्रिल पे करेंगे, और ग्रिल के लिए आपको ये स्टील की जाली दी हुई है 2, ये बड़ी जाली पे ऊंचा छोटा सामान आएगा, इस पर ऊंचा सामान आएगा। हम इस पर समोसे डायरेक्ट रख देंगे, या घर की दाल मोट नम है, बिस्किट नम है, जो भी आइटम, उसको स्टील की प्लेट पे रख देंगे। ग्रिल फंक्शन पे कोई भी प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखे जाएंगे, मेटल रख सकते हैं। और रखने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे ग्रिल, ये ग्रिल दबाया हमने, यहाँ से 5-7 मिनट का टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमारा जो समोसा है, जलेबी है, दाल मोट है, वो चीज़ कुरकुरी होगी। लेकिन इतना ध्यान देना है कि इस पर आप प्लास्टिक के बर्तन भूल से नहीं रखना है। इस तरह से हमने समोसे रख दिए हैं, रखने के बाद जब हमारा 2 मिनट चल जाए, चलने के बाद में वो सामान को पलट देंगे। दाल मोट है तो चम्मच से चला देंगे, दाल मोट स्टील की प्लेट पर रखेंगे, रखने के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे चलाने के बाद। तो इस तरह से फिर 2 मिनट चल जाए, आपको 6 मिनट के बीच में 2 बार खोल के चलाना है, पलटना है, तो ग्रिल पे आपका जो भी सामान हो क्रिस्पी हो जाएगा। तो ग्रिल का फंक्शन ये हुआ। अब आपका तीसरा फंक्शन कन्वेक्शन होता है बेकरी आइटम के लिए, केक, बिस्किट, बन, नान कढ़ाई, इसके लिए। इस पर आप बिस्किट, नान कढ़ाई तो इस ट्रे पे पकाएंगे, अगर आपको केक पकाना है तो एल्युमिनियम का बाउल लेना होगा, केक टिन आता है, उसमें कम से कम 350 ग्राम केक की रेसिपी तैयार करके रख लेंगे, या बिस्किट नान कढ़ाई इस ट्रे पे रख लेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे कन्वेक्शन, जो कि यहाँ पे प्री हीट के नाम से दिया हुआ है, इसको हम दबाएंगे 110 सेंटीग्रेड बता रहा टेम्परेचर यहाँ पे, हम इसी को दबाते जाएंगे 180 आ जाएगा, ठीक है, 200 तक होता है। अब डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये जो है हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो रहा है। अगर कोई भी बेकरी आइटम आप पकाओगे पहले माइक्रोवेव को प्री हीट करना पड़ेगा, ये प्री हीट हो रहा है, इसके अंदर जब टेम्परेचर 180 होगा तब ये बिप करेगा, टिटिट टिटिट बार बार बोलेगा, जब बोलेगा तब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, स्टॉप करोगे, कैंसिल कर दोगे। इसका अंदर टेम्परेचर जब हो गया 180 तो ये बिप करा, हमने कैंसिल कर दिया। अब बिस्किट नान खटाई की ट्रे तैयार है काली वाली, तो इसी शीशे की ट्रे पर रख देंगे, केक कबाब तैयार है तो इसी पर रख देंगे। रखने के बाद फिर से हम 180 करेंगे पकाने के लिए। अब यहाँ दबाया, अब यहाँ टाइम देंगे, ये 10 मिनट करके टाइम देंगे, 30 मिनट, 1-1 करके 5 कर देंगे, 35 मिनट इसलिए हमने दिया है, फिर स्टार्ट कर देंगे।
35 मिनट हमने इसलिए लिया क्योंकि केक हमारा कम से कम 350 ग्राम 35 मिनट में पकेगा, तो 35 मिनट टाइम लिया 350 ग्राम के लिए, स्टार्ट कर दिया। अब ये चल रहा है, लेकिन ये जब 25 मिनट पार कर जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो एक बार डोर खोल के और इसमें चाकू डिप करके देखेंगे, अगर चाकू सूखा निकलेगा बाउल से तो आपका केक जो है पक गया है, अगर चिपक रहा है उंगली में तो केक नहीं पका है, वापस फिर से स्टार्ट कर देंगे तो आगे 10 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप बिस्किट नान खटाई बनाएंगे तो उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम देना है। 10 मिनट पे देने के बाद 8 मिनट पे खोल के आप चेक कर लोगे, तैयार है तो निकाल लेंगे, वरना आप इसको बंद करके फिर से स्टार्ट कर देंगे, 2 मिनट आगे बढ़ जाएगा। प्री हीट पहले करना है, तभी प्री हीट अपने आप हो जाएगा। अभी हमने बताया इसको दबाइए, 180 बाय स्टार्ट कर दिया, आधा घंटे के लिए लगेगा, लेकिन चलेगा उतनी देर जब तक कि प्री हीट नहीं होगा अंदर, वो बिप करने लगेगा अपने आप, अलार्म बोलेगा टिटिट टिटिट बार बार, तो आप समझिए प्री हीट हो गया है, तो इससे प्री हीट होगा। प्री हीट खाली नहीं करना है, खाली ही करना है, खाली ही करना है, वही हमने कहा सामान तो बाहर रखेंगे, इससे करना, यही से करना है, इसी से, हाँ, यहाँ टेम्परेचर देना है ये 180, जो भी आपकी किताब में दिया हो टेम्परेचर, पहले स्टार्ट कर देना, आधा घंटे के लिए लगेगा, चलेगा उतनी देर जब तक अंदर टेम्परेचर उतना नहीं होगा जितना आपने दिया है। अब चौथा फंक्शन है आपका कंबाइंड। कंबाइंड क्या होता है? कंबाइंड जैसे कि आप पनीर टिक्का, रोस्टेड मुर्गा, ये सब चीज बनाना चाहें तो इस काली ट्रे में बनेगा। अब इसमें आप रोस्टेड तैयार करके रख लें या पनीर टिक्का रख लें आधा किलो, इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से 2 बटन दिए हुए, माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, क्लोज कर लिया करिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप ये दबाएंगे, अगर हम इसको दबा के करते हैं C2 और यहाँ टाइम देते हैं हम 30 मिनट का, आधा किलो के लिए स्टार्ट करेंगे, तो जरा सा यहाँ पे जो बनता है जरा चिमटापन होता है, चिमड़ापन होता है, और यहाँ पे बनता है सॉफ्ट, आपको जो अच्छा लगे करिए। इसमें 200 डिग्री किया हमने, 30 मिनट का टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमारा चिकन है पनीर टिक्का जो रखा है, वो आप 15 मिनट बाद डोर खोल के उस सामान को पलट दोगे, इस काली ट्रे पे रखना है और पलट दोगे, पलटने के बाद फिर से स्टार्ट कर दोगे, इस तरह से दोनों तरफ हो जाएगा। अगर रोस्टेड मुर्गा बन रहा है तो उसके लिए आपको हर 5-7 मिनट में डोर खोल के हल्का सा हाथ से पलटना है और स्टार्ट करना है, तो आधे घंटे में कम से कम 3-4 बार करना है तो वो चीज़ आपकी पक जाएगी। यहीं पे आप कुछ बटन और हैं उनके बारे में बताते हैं। यहाँ पावर सेव बटन है, इसको बंद करेंगे तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन ना करिएगा, डायरेक्ट स्विच बंद करिएगा यहाँ से, ठीक है। यहीं पे आपका दिया हुआ है कीप वार्म, जैसे आपने भगोने में सब्जी चावल दाल कुछ बनाया, आपके गैस पे जितना गर्म उठा के इसके अंदर रख देंगे, जितनी देर चाहे ये माइक्रो चलता रहेगा, गर्म बना रहे, करना क्या है कीप वार्म दबाया और यहाँ से टाइम दे दीजिए, वैसे ऑटोमेटिक आधा घंटे लगेगा, जितनी देर आप चाहें स्टार्ट कर देंगे उतनी देर उतना गर्म बना रहेगा जितना गैस पे था। इसी तरह से यहाँ पे आपको फर्मेंट दही जमाना है, इसको दबाइए और फिर यहाँ टाइम दीजिए, और जो भी आप टाइम देंगे उतनी देर में आपका दही जम जाएगा, 1-1.5 घंटा लगेगा और बाकी सिम रखा रहेगा तो दही भी जम जाएगा, जो टाइम देना चाहे बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब यहीं पे आपको दिया हुआ है, ये सारा ऑटो मेनू है। ऑटो मेनू का मकसद ये होता है कि जो भी बटन दबाएंगे उतना वो आप वजन शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे वेट डिफ्रॉज है, फ्रिज में जो चीज़ें आपकी जम जाए, पनीर है, मटर है, कुछ जम गया है, उसको नॉर्मल करना है तो इस काली ट्रे पे रख देंगे और इसके अंदर रख देंगे। अब लाए हैं सामान तो आपको वजन पता है कितना है, इसको दबाएंगे 100 ग्राम 200 ग्राम जो आपके सामान का वजन है, अब मतलब कहा जाए बस स्टार्ट कर दिए तो वो चीज़ आपकी बर्फ़ पिघल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। यहीं पे चिकन दिया हुआ है 800 ग्राम कम से कम बनेगा, 1 किलो 1 किलो 200 1 किलो 400, जो भी वजन आपके सामान को बस स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा है ब्रेड सैंडविच कुछ भी बनाए, ऊंची आली जाली पे तैयार करके रखेंगे, बाजार से जो आता है पिज़्ज़ा रेडी करके एक बार दबाएंगे, 150, 300, 450, जो आपको पिज़्ज़ा का वजन लग रहा हो वह स्टार्ट कर देना है। यहीं पे आपको केक दिया है 475 ग्राम, रेडी करके रखिए, स्टार्ट कर दिए, अपने आप टाइम ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी है वो ऑटो मेनू के लिए है, जो भी दबाएंगे वो वजन उतना ही रखना होगा, 1 कप 2 कप 3 कप, ये चाय के लिए बस स्टार्ट करना है, अपने आप टाइम ले लेगा। इस तरह से आप माइक्रोवेव को इस्तेमाल करें। बाकी इसके 2 चीज़ें आती हैं, इससे अटैच होती हैं, हाई लो कट होता है, पावर कम ज़्यादा होता है, तो वो माइक्रो को सेफ रखता है, वो 1465 रुपये का है, हाई लो कट उसको बोलते हैं, और उसकी 1 साल गारंटी होती है, और इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्लीनर होता है जो आपके माइक्रो को सेफ रखेगा, ना जंग पकड़ने देगा, उसकी लाइफ बढ़ी रहेगी। वो IP का माइक्रो क्लीनर होता है, उसको करना क्या है
आपको 15 दिन पे ज्यादा इस्तेमाल करें तो 15 दिन पे, अगर कम करना है तो एक महीने पे उससे सफाई करते रहेंगे, जैसा है ऐसा ही रहेगा, कोई भी इसमें जंग ना पकड़ेगा, जैसे चमक रहा है ऐसे ही रहेगा। और फूड ग्रेड होता है, कोई कॉलिन जैसी चीज़ नहीं होती है, वो आपको नुकसानदायक नहीं होता है, वो वाइब भी का ही है, आप ले सकते हैं।